जय हिंद मेरे सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों को मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल टॉप तक पर आपका स्वागत करता हूं तो जितने ही मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स स्टूडेंट आज जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर कर कर आज अपने यार दोस्त और चाहने वालों के साथ और रोज रात राहुल देशवाल से पढ़ना भी ना भूले क्यों ये बहुत जरूरी हो चुका है क्योंकि आपके बहुत सारे कहीं ना कहीं कुछ ही दिनों में एग्जाम होने वाले हैं तो मेरे भाई देखो कोई भी बच्चा जिसने तैयारी छोड़ रखी हो या फिर थोड़ा सा हल्के में ले रहा हो इस समय को तो सभी को एक्टिव कर दो सभी के साथ चीज़ों को शेयर करके आओ कि मेरे भाई लग जाओ पढ़ाई में फिर से समय आ चुका है और ये जो टाइम है यही आपको पास और फेल करा सकता है तो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है ठीक है जब एग्जाम आने वाले होते हैं ऐसा आप एक साल से पढ़ रहे हो पर अगर तू पेपर से एक महीने पहले छोड़ दोगे पढ़ाई तो बहुत गड़बड़ हो जाती है ठीक तो है तो आ जाइए मेरे 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 देखिए तो बब्बर और देखो यार सबसे पहले मेरे भाई देखिए रोज रात नौ बजे मेरी क्लास होती है सभी को पता है वैसे आज एक डिजिट सम वाला एक वो करवाने वाला था बट क्वेश्चंस दे रखे थे तो बहुत सारे तो जो टाइपिंग वाले सर थे शायद उनके घर में किसी की शादी वादी होगी तो गए हुए थे ठीक है तो कोई नहीं ये टॉपिक भी उसके बाद अगला में उठाने वाला था बहुत इंपॉर्टेंट भी बहुत दिनों से बच्चे डिमांड में भी था ये बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक कि सर बोट एंड स्ट्रीम करा दीजिए क्योंकि देखिए अक्सर आप बोट एंड स्ट्रीम किसी से ही पढ़ लोगे जो मैं पढ़ाता हूँ वो दिमाग में फिट हो जाता है एकदम तो फर्क है बोट एंड स्ट्रीम जब मैं पढ़ाता हूँ तो फिर जलवा ही होता है ठीक है आ जाइए और हाँ साथ में भाई टॉप तक ऐप इंस्टॉल कर लीजिए इसका फायदा क्या है देखिए बहुत सारे कोर्सेज में सत्तर से ज्यादा कोर्सेज है साथ में डेली एक यूज भी होती है डेली एक क्यूज भी होती है शाम को पांच बजे फ्री क्यूज है कोई पैसे नहीं है और उस क्यूज में जो भी फर्स्ट आता है जितेंद्र कुमार जी फर्स्ट आए हैं ठीक है शायद ये तो कल वाली फोटो लगा दिया आज वाली फोटो मुझे लगता है लगाई नहीं इन्होंने चलो कोई नहीं तो डेली यहाँ पर जो भी फर्स्ट आता है उस व्यक्ति की यहाँ फोटो लगाई जाती है तो डेली बेसिस पर तो मैं चाहूंगा जैसे आज ही आए हैं तो कल आप में से कोई हो ये भी होंगे तो अच्छी बात है बट आप भी कोशिश कीजिए तो टॉप तक ऐप को इंस्टॉल कर लेना प्ले स्टोर में मिल जाएगी जब भी कोर्स लोगे इन दोनों नंबरों पे कोई भी दिक्कत है तो व्हाट्सअप और कॉल कर सकते हो साथ ही साथ मेरे भाई ये बहुत सारे बैचेस हैं इन सभी को आप देख सकते हो इसी के साथ पुरस्कार और सम्मान से रिलेटेड बहुत ही प्यारी सी वीडियो कल सुबह आठ बजे सुशील सर लेकर आ रहे हैं तो कोई भी सुबह आठ बजे आना ना भूले टेलीग्राम टॉप टॉप तो मीडिया सर्च कीजिए फेसबुक पर राहुल देसवाल मैथ ठीक है और इंस्टा पे राहुल देसवाल ऑफिशियल सर्च करोगे आपको मैं मिल जाऊंगा आ जाइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो आपके हिसाब से हम क्या पढ़ रहे हैं आपको सर बोट एंड स्ट्रीम अच्छा बोट एंड स्ट्रीम आपने बहुत बार बहुत जगह से अनंत बार पढ़ा होगा पर आज जो मैं पढ़ाऊंगा उसमें क्या खास है बहुत कुछ खास होगा बहुत मजा आने वाला है अरे ये क्या दिख रहा है इसमें एक बार हाँ भाई जल्दी शेयर करके आ जाओ तो ऐसे मजा आता है आज आ रखे हैं धुरंधर बच्चे यही तो मेरे भाई देखिए आपको यहां जो ये टॉप तक है यहां हम आपको टॉप तक पढ़ाएंगे टॉप तक पहुंचाएंगे और आगे बढ़ने से पहले क्योंकि एक आखिरी एक आखिरी शेयर कर कर आ जाइए क्योंकि देखिए जो जो खास मित्र होते हैं कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ना दोस्ती निभाते हैं उन्होंने तो शेयर कर दी और मुझे पता आप में से कुछ बच्चे थोड़ा सा झिझक कर रहे हो तो एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए क्योंकि कि किसी एक दोस्त का आपके को फायदा हो सकता है तो जल्दी से शेयर कर दीजिए और उसको जीवन बदल सकता है आपको सर इसे क्लास से कैसे क्योंकि जब वो इस क्लास को करेगा तो उसको लगेगा अरे यार मैथ तो ऐसे पढ़नी चाहिए ऐसे पढ़ी जा सकती है पढ़ाई जा सकती है तो उसको और आनंद आया जल्दी शेयर कर कर आ जाओ और साथ में एक छोटी सी लाइनें कहना चाहूंगा उसके बाद आगे चलेंगे विकल्प बहुत मिलेंगे मेरे बब्बर शेर और शेरणियों विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ता भटकाने के लिए परंतु परंतु टॉप तक या फिर संकल्प एक ही काफी है टॉप तक अकेला काफी है आपको मंजिल दिलवाने के लिए तो देखिए बहुत ही आनंदमयी क्लास होने वाली है आराम आराम से लेकर चलेंगे कोई हड़बड़ाहट में नहीं देखिए आपके सामने एक नदी बना देता हूं क्योंकि हम जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं जिसका नाम है बोट एंड स्ट्रीम तो भैया यहाँ पे नाव और धारा धारा यानी कि पानी की गति दोनों आपकी आंखों के सामने जितना ज्यादा होगा उतना ही आपको ज्यादा अच्छी तरह से समझ आएगा बोट एंड स्ट्रीम यानी कि नाव और धारा जिसे हम क्या कहते हैं नाव और धारा देखिए बहुत खूबसूरत खूबसूरत ट्रिक है मेरे पास पर उससे पहले मैं चाहता हूं कुछ बेसिक चीजें आपकी क्लियर कर चलू उन खूबसूरत खूबसूरत चीजों के बारे में बात करेंगे आगे इसी क्लास में बट उससे पहले कुछ बेसिक चीजें मैंने एक नदी बना दिया आपके लिए इस तरह से नदी थी भाई ठीक है अब इस नदी में यहां पहाड़ी से नदी बह रही थी नीचे की तरफ अब पानी भी बहेगा भाई पानी क्या बहेगा पहाड़ी से, तो से नीचे ही बहेगा ऐसा तो है नहीं कि ऊपर की तरफ चले जाएगा ठीक है पानी कहां रहा है ऊपर से नीचे की तरफ तो मेरे भाई ये पानी बह रहा है ठीक है ओके हमने बहा दिया पानी मेरे भाई तो ये पानी बह रहा है अब मेन मुद्दा क्या है आप ये समझिए आपकी कल को जॉब लगेगी तो शादी होनी भी तय है तो कहीं तो घूमने जाओगे तो तुमने अपनी मैडम को क्या करा तुमने कहा चलो जी आप वहां चलते हैं इसे रिवर राफ्टिंग वगैरह क्या कहते जो भी है ना तो मैं नाव में घुमा के लाऊंगा और खुद अपने आप नाव चलाऊंगा ठीक है तो भाई साहब तुम दोनों नाव में बैठ गए ये रही नाव नाव का कलर दूसरा ले, ले लेते हैं लीजिए व्हाइट सी ले, ले लेते हैं ठीक है ये रही नाव तो भाई साहब नाव में तुम दोनों बैठे हो अब देखिए दो कंडीशन हो सकती हैं क्या क्या हो सकती है पहली कंडीशन या तो आपको ऊपर जाना पड़ेगा पहली कंडीशन या तो आपको ऊपर जाना होगा या फिर दूसरी कंडीशन जब ऊपर चले जाओगे तो आप नीचे भी आओगे ऐसा तो है नहीं कि वहीं बैठे रह जाओगे नहीं दोनों चीजें होती है कोई व्यक्ति नाव से नीचे आ रहा होता है कोई व्यक्ति ऊपर जाएगा दो केस पर उससे पहले एक जो बहुत ही प्यारी सी मैं बात कहना चाह रहा हूं हर एक क्वेश्चन में जब भी नाव की गति यानी जो ये बोट होती है बोट कोई भी व्यक्ति जब भी इनकी स्पीड की बात की जाएगी या फिर साफ साफ शब्दों में कहूँ या फिर आसान शब्दों में इस पानी की स्पीड के अलावा कोई भी किसी भी चीज़ का जिक्र हो चाहे वो पानी का जहाज़ हो चाहे वो हमारा कोई व्यक्ति हो कुछ भी हो उसकी स्पीड को हम हमेशा एक्स मानेंगे यानी कि यहाँ पर जो ये बोट है या फिर कोई आदमी रहा होता इसकी स्पीड को हम हमेशा क्या मानेंगे एक्स ठीक है और जो ये पानी है इसकी भी कोई स्पीड होगी भैया तो है नहीं ऊपर से जाओ छर कभी कभी पानी इतना होता गांव के गांव भाले जाता है तो भैया पानी की तो अपनी एक स्पीड है तो पानी की स्पीड को क्या मानेंगे हम हमेशा वाई पानी की स्पीड को हमेशा क्या मानेंगे वाई ये हो जाएगी वाटर की स्पीड वाटर की वाटर की यानी स्ट्रीम का आएगा वो है ना धारा का वेग जो पानी का पानी पानी तो है, तो ये जो बहाव होता है उसकी स्पीड कहेगा तो उसको हम हमेशा क्या लेकर चलेंगे देखो भाई साहब चोटी पर जाना है तुम्हारे तो सिट्टी पिट्टी गुल मतलब हवाई उड़ गई भाई साहब उस चोटी तक पहुंचना है अब होगा क्या तुम्हें तो है कि तुम्हारी जो भी स्पीड है उसे हम एक्स कहने वाले क्योंकि नाव की स्पीड हमेशा क्या रहेगी x पर दूसरी तरफ पानी की स्पीड क्या है y अब होगा क्या क्यों आपको ऊपर चढ़ने में चढ़ाई पर आपको डर लग रहा है क्यों लग रहा है क्योंकि ज़्यादा मेहनत क्यूं लगेगी ज्यादा मेहनत क्यों लगेगी क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति इस तरह से ऊपर जाता है जैसे ये ऊपर जा रहा है तो जो ये पानी होता है ना उसे नीचे ढकेलेगा धड़ 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 धड़, धड़। यानी उसे ऊपर बढ़ने से रोक रहा होता है तो कंडीशन क्या होती है कि ये तो अपनी एक्स की स्पीड से नाव ऊपर जाएगी पर जब भी नाव ऊपर जाएगी इस एक्स की स्पीड से इसे पानी रोकेगा क्योंकि पानी ऊपर से नीचे ओपोजिट डायरेक्शन में है यह नाव यू जा रही है और पानी धड़क धड़क इसे इसेगा यानी किस स्पीड से इसे रोक रहा है वाई की स्पीड से तो जब भी ये बात आएगी कि नाव पानी की विपरीत दिशा में जा रही है तो उस समय जो नाव की गति होगी टोटल स्पीड क्या हो जाएगी एक्स माइनस वाई ये हमें दर्शाता है कि नाव जो है पानी की विपरीत दिशा में जा रही है ओपोजिट डायरेक्शन ठीक है ओपोजिट डायरेक्शन वाले केस में यानी विपरीत दिशा के केस में आपकी स्पीड क्या कहलाएगी एक्स माइनस वाई बट वहीं दूसरी तरफ वही दूसरी तरफ अगर यह व्यक्ति ऊपर टॉप पर पहुंची और नीचे की तरफ आ रहा है और स्पीड तो अभी भी एक्स है तो उस केस में क्या होगा मेरे भाई जब ये व्यक्ति नीचे आएगा तो जब नीचे आ रहा होगा तो आपने देखा है रोड तो एकदम सिंपल ऐसे होती है ना जब गाड़ी ऊपर से नीचे उतरती है तो एकदम कैसे तेजी से उतरती है यहां तो पानी क्या करेगा पानी पीछे से इसको प्रेशर लगाएगा कितना प्रेशर जो भी इसका स्पीड इस होगी तो उस कंडीशन में जब हम पानी के बहाव के साथ जिसे कि इंग्लिश में विद स्ट्रीम कहा जाता है या फिर जिस डायरेक्शन में पानी जा रहा है उसी डायरेक्शन में अगर नाव जाए यानी नाव भी इधर आ रही है और पीछे से पानी भी इसी स्पीड डायरेक्शन में आ रहा है तो उस केस में टोटल स्पीड क्या हो जाएगी इस एक्स की स्पीड के अंदर एक एक्स्ट्रा स्पीड और जुड़ जाएगी वो होगी वाई वाई जो कि से पीछे से पानी जो उसी स्पीड से ढक्का दे रहा है तो एक स्पीड होगी एक्स प्लस वाई और ये स्पीड क्या है जब नाव पानी की दिशा में जा रही है यानी कि पानी के बहाव के साथ जा रही है तो ये हो जाएगी मेरे भाई जब नाव विद स्ट्रीम जा रही है या फिर कह सकते हो आप पानी की दिशा में पानी की दिशा में ठीक है अब नॉर्मल सी छोटी सी बात पूछ रहा हूं जल्दी जल्दी बता देना अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात कहूं ठीक है क्या कहना चाह रहा हूं इसको थोड़ी सी देर के लिए मिटा देता हूं मैंने कहा यह नाव है इस नाव में कुछ दो व्यक्ति बैठे हैं एक आप और एक आपका कोई चाहने वाला ठीक है आप ऊपर की तरफ जा रहे हो आठ किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से और पानी नीचे की तरफ बह रहा है और पानी किस स्पीड से बह रहा है मेरे भाई छे किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तो दो केस होते हैं एक या तो ये नाव लेकर ऊपर जाएगा दूसरा केस नाव लेकर नीचे आएगा जब ऊपर जाएगा तो उसको कहते हैं कि ये पानी की विपरीत दिशा में जा रहा है ओपोजिट डायरेक्शन में और उस केस में स्पीड क्या कहलाती है एक्स माइनस वाई तो उस केस में जिस रफ्तार से चल पा रहा होगा जा तो आठ से रहा है पर इस आठ को छ की स्पीड रोक रही है यानी आठ में से छे की स्पीड घटकर सिर्फ दो किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल पाएगा और इस स्पीड को कहते हैं हम नाव जा रही है पानी की विपरीत दिशा में यानी ओपोजिट डायरेक्शन में जब जा नाव जाएगी वो स्पीड अगर नाव पानी की दिशा में जाए यानी कि अभी तक नाव ऊपर जा रही है अगर नाव नीचे आ रही होती किस रफ्तार से आठ की तो स्पीड क्या हो जाती मेरे भाई नाव नीचे आ रही है पानी भी नीचे आ रहा है तो उस कंडीशन में स्पीड हो जाएगी एक्स प्लस वाई यानी आठ और छे चौदह किलोमीटर प्रति घंटा इतनी सी बातों में मुझे नहीं लगता किसी को भी डाउट होगा हाँ भाई बहुत बेहतरीन बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया सब्बास गजब बहुत बढ़िया आगे चले ठीक है ये तो थी छोटी सी बेसिक बातें अभी बताऊंगा देखो ये तो अभी ना बेसिक बेसिक चीजें चलेंगी अभी थोड़ी देर और जब बेसिक चीजें थोड़ी थोड़ी देर बाद खत्म हो जाएंगी उसके बाद आएंगे बड़े बड़े क्वेश्चन और ऐसे ऐसे खा जाओगे उन क्वेश्चंस को हाँ भाई देखो एक बार पर जल्दी से, से शेयर करके आओ जल्दी जाओ शेयर करके आ जाओ क्योंकि क्लास होने वाली है बहुत बेहतरीन और गजब एक बार जल्दी से मेरे बब्बर शेर और शेरणियों शेयर कर दो क्योंकि देखिए होता क्या है शेयर किसे करोगे आप ऐसा तो नहीं किसी को भी कर दोगे जिसे आप चाहते हो तो ऐसे कितने बच्चे जिन्होंने अभी अभी क्लास 100 परसेंट शेयर करी हुई कल कितने बच्चों ने क्लास शेयर करी और कितने ही बच्चों के मैसेज आए सर मजा आ गया कि सर हमने तो पता ही नहीं था इस तरह से भी चीजें पढ़ाई जा सकती हैं तो भाई उनको उस दुनिया से बाहर लाओ नकली पखली चीजें पढ़ रहे हैं ओरिजिनल बंदे के पास लाओ फर्स्ट स्टैंड यहां से कोई पढ़कर तुम्हें पढ़ा देता है डायरेक्ट यहां पर पहुंचा देखिए आ जाते हैं अभी तो बेसिक बेसिक क्वेश्चन की तरफ जाएंगे क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई एक व्यक्ति की शांत जल में चाल कितने दस किलोमीटर प्रति घंटा अच्छा एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट सी बात बता रहा हूं जल्दी से देख लीजिए एक इंपॉर्टेंट सी बात और बता दू देखो एक केस ऐसा होता है जिसे हम शांत जल कहते हैं जिसे हम क्या कहते हैं शांत जल अच्छा शांत जल स्टिल वाटर जिसे शांत जल हिंदी में कह देते हैं और यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है या फिर इंग्लिश में से स्टिल वाटर कह देते हैं इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि पानी बिल्कुल रुका हुआ है यानी कि अगर जैसे इस केस में क्या है अगर नाव यहां पर छोड़ दी जाए और नाव की कोई स्पीड नहीं है तब भी नाव बह के नीचे आ जाएगी किस स्पीड से जितने स्पीड से पानी बह रहा है पर इस केस में क्या होगा अगर इस केस में एक नाव इस तरह से रख दी जाए तो इसी जगह टिकी रहेगी क्योंकि पानी की अपनी कोई स्पीड नहीं है बस ऐसे रुका हुआ है तो जब भी नाव की स्पीड के बारे में वो कहेगा किसी भी क्वेश्चन में तो भैया मुझे पता है नाव की स्पीड एक्स होती है पर वो जो नाव की स्पीड के बारे में बताएगा तो कहेगा कि नाव की स्पीड स्टिल वाटर में क्योंकि देखिए दो तीन तरीके के पानी पे नाव चलती है एक नाव जब ऊपर जा रही होती है पानी की दिशा में एक पानी के भाव के साथ चलती है क्योंकि भैया पानी की अपनी खुद की स्पीड है जब गाड़ी चलाते तो रोड की कोई स्पीड नहीं होती पर पानी की है ना तो एक कंडीशन ऐसी भी होती है जब पानी एकदम रुका हुआ हो तो हमेशा वो ये बात उसे कहनी पड़ेगी कि नाव की गति किसमें रुके हुए पानी में शांत जल में अगर वो ये बात नहीं कहेगा तो आपके दिमाग में कंफ्यूजन नहीं हो जाएगी कि यार पानी के बारे में बताया नहीं है कि पानी बह रहा है तो किस स्पीड से बह रहा है तो खुद ही कह देगा कि पानी रुका हुआ है अगर तो उस कंडीशन में नाव की स्पीड यानी कि वो सिंपल सिंपल कह रहा है नाव की अपने आप की स्पीड जिस पर पानी का कोई प्रभाव नहीं हो उस समय वाली स्पीड और उसे भी हम क्या कहते हैं नाव की स्पीड ही अगर जब भी कहा जाएगा कि नाव की स्पीड स्टिल या शांत वाटर में यानी कि वो एक्चुअल में सीधा सीधा ये कह रहा है कि इस नाव की स्पीड दी गई है यानी जब पानी का इस पर कोई इफेक्ट ना हो यानी ओरिजिनल नाव की स्पीड आ जाते हैं क्वेश्चन में तो क्वेश्चन में कहा गया एक व्यक्ति की शांत जल में चाल तो अभी व्यक्ति के बारे में बात करिए तो मैंने क्या कहा था व्यक्ति कर ले या फिर नाव की कर ले हम पानी के अलावा हर एक स्पीड को एक्स मानेंगे तो मैं यहां पर उस व्यक्ति की स्पीड को एक्स लेकर चल रहा हूं बात ठीक है अब उस व्यक्ति की जो स्पीड है शांत जल में जैसे ही शांत जल लिखा गया तो यहां से एक बात तय हो गई कि इस समय जिस स्पीड की बात की जा रही है वो पूरी, -पूरी की पूरी ओरिजिनल उस आदमी की स्पीड है तो शांत जल में स्पीड कितनी है दस किलोमीटर प्रति घंटा तो यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई टेन किलोमीटर प्रति घंटा ठीक है ओके फिर उसके बाद कहा गया कि अगर वह एक ऐसी नदी में जाए जिस नदी में उसकी धारा का वेग क्या रहा हो छह किलोमीटर प्रति घंटा तो भैया हमेशा पानी की स्पीड को हम क्या लेते हैं है? हमारी नदी की क्या क्या तो विपरीत धारा के साथ यानी वो दो चीजें आपसे पूछ रहा है कहना क्या चाह रहा है ये तो नदी हो गई ठीक है अब ये जो नाव वाला है या तो ये ऊपर जाएगा या फिर मेरे भाई नीचे आएगा पर पानी हमेशा नीचे आएगा पानी की स्पीड छ है पर नाव की स्पीड कितनी है दस या फिर जो भी व्यक्ति है उसकी स्पीड कितनी है दस अब अगर दोनों कंडीशन में एक कंडीशन जब पानी के विपरीत यानी नाव ऊपर जा रही है पानी के ओपोजिट डायरेक्शन में तो उस कंडीशन विपरीत का मतलब ही क्या है कि पानी उसे रोकेगा यानी x- माइनस वाई और एक है धारा के साथ यानी जिस डायरेक्शन में पानी जा रहा है उसी डायरेक्शन में नाव भी जा रही है स्पीड उसकी बढ़ जाएगी क्योंकि इस समय इस नाव को जो नाव की स्पीड एक्स है इसे पानी इसकी हेल्प करेगा यानी एक्स प्लस वाई तो धारा के साथ x y और धारा विपरीत तो दस में छा चार एक्स प्लस वाई यानी इन दोनों का टोटल छह सोलह तो भैया दोनों स्पीड हमारे सामने आ चुके हैं आपको सर बच्चों वाला क्वेश्चन मेरे भाई देखिए यही बच्चों वाली चीजें अगर आपके दिमाग में एकदम क्लियर हो गई तो आप हर एक क्वेश्चन को ऐसे ही खत्म कर दोगे बहुत बेहतरीन भाई बहुत बढ़िया आज मजा आ रहा है गजब मेरे भाई गजब गजब बहुत बढ़िया ऐसे ही लाइक करते रहो बहुत बेहतरीन लव यू मेरे बब्बर शेर हो लव यू एक बार जल्दी से लाइक कर दीजिए और वीडियो को एक बार जल्दी से फैला दीजिए अपने जितने भी बब्बर शेर और शेरिया सबके साथ अपने खिलाड़ियों के साथ चाहने वालों के साथ ठीक है मोहब्बत में कमी नहीं होनी चाहिए मेरे भाई जल्दी से जाओ शेयर करके आ जाओ जल्दी से स्पीड में बहुत बेहतरीन लाइक और कर दो सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि जितना मजा यहाँ आने वाला है कहीं पर भी नहीं आएगा ठीक है देखिए, अब आप चीजों को समझ चुके हो क्वेश्चन क्या रहा है एक आदमी स्थिर पानी, स्थिर यानी कि रुके हुए पानी में उसकी स्पीड कितनी है चार यानी उसकी खुद की स्पीड तो व्यक्ति के बारे में बता रखा है यानी एक्स की वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है फोर किलोमीटर प्रति घंटा ठीक है आगे गए यदि पानी की चाल दो किलोमीटर प्रति घंटा हो यानी जो वाटर है उसकी स्पीड टू किलोमीटर प्रति घंटा हो तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है तो क्वेश्चन पूछ रहा है मेरे भाई क्या पूछ रहा है मेरे भाई हमारा क्वेश्चन क्वेश्चन कह रहा है तो दस किलोमीटर द टाइम टेकन बाय हिम टू स्विम टेन किलोमीटर अप स्ट्रीम अपस्ट्रीम यानी कि अगर उसे ऊपर जाने में भैया पानी तो नीचे ही बहेगा अब उसे ऊपर जाने का मतलब क्या है पानी के बहाव के विपरीत पानी की ओपोजिट डायरेक्शन पानी की ओपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या है जो इसकी खुद की स्पीड है ना इसमें पानी उसे रोकेगा यानी वाई की स्पीड से पानी उसे रोकेगा तो उस कंडीशन में जब वो व्यक्ति ऊपर जाएगा यानी कि अपस्ट्रीम ऊपर की तरफ जाएगा तो उसकी स्पीड एक्स माइनस वाई यानी चार में से दो, दो किलोमीटर प्रति घंटा रह जाएगी बात सही है अब इस स्पीड से चलते हुए वह दस किलोमीटर जाने में कितना टाइम लेगा तो भैया नॉर्मल सी बात है इसी स्पीड से चलते हुए दस किलोमीटर जाना है उसे यह स्पीड बता रही है हर एक घंटे में वो व्यक्ति दो किलोमीटर जा सकता है तो दो किलोमीटर एक घंटे में तो पांच किलोमीटर कितने घंटे में चलेगा पांच घंटे में और यही क्या हो जाएगा मेरे भाई हमारा उत्तर और यह क्या हो गया मेरे भाई हमारा आंसर किसी को डाउट बहुत बेहतरीन बहुत बढ़िया गजब गजब सब्बास आगे चले लाजवाब आज तो गजब कर दिया हाँ भाई बताइए बहुत ही प्यारे से गजब से लाजवाब से क्वेश्चन के साथ हम आ चुके हैं और ये जो मोहब्बत है आपकी बस इसी के साथ तो चल रहे हैं इतना प्यार मुझे लग रहा है कि YouTube पे शायद ही कोई ऐसा मैथ का टीचर होगा जिसे इतना प्यार मिलता है तो इस प्यार के लिए तो जैसे लोग तो नशे काटते नशे नहीं काटूंगा आपकी मोहब्बत के चलते हुए आपको ऐसा पढ़ा दूंगा ये साल आपको जॉब देकर जाए क्योंकि आप पढ़ रहे हो टॉप तक पर और यहां हम आपको टॉप तक पढ़ाएंगे और टॉप तक पहुंचाएंगे ठीक है तो आ जाइए इस क्वेश्चन के साथ और मोहब्बत में लोग जान देते हैं पर भैया हमारी जान की थोड़ी सी ज्यादा जान तो किसी को भी नहीं देनी चाहिए इससे बेहतर है कि उस जिंदगी से कुछ लोगों का फायदा कर दिया जाए तो इस मोहब्बत में मैं इस साल आपको जॉब दिलवा कर जाऊंगा ठीक है देखिए क्वेश्चन क्या इफ द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर देखिए स्टिल वाटर यानी रुके हुए पानी में रुका हुआ पानी यानी कि उसकी खुद की ओरिजिनल स्पीड किसकी बोट की तो मुझे पता है बोट हो या कोई आदमी हो उसे हम एक्स चलते हैं तो एक आदमी यहां पे वैसे बोट बोला है इसे आप बोट लिख सकते हो नाव ठीक है एक नाव ठीक है तो स्थिर पानी में स्पीड दे रखिये मेरे भाई कितनी बीस किलोमीटर प्रति घंटा तो एक्स की वैल्यू कितनी दे दिया है बीस किलोमीटर प्रति घंटा ठीक है आगे गई यदि पानी की चाल पांच किलोमीटर प्रति घंटा हो यानी जिस पानी की हम बात कर रहे हैं उस हमेशा पानी की स्पीड को वाई लेते हैं और यह क्या देखिए पांच किलोमीटर प्रति घंटा अब क्वेश्चन पूछ रहा है टाइम टेकन जो से टाइम टेकन लगेगा बाय द बोट टू ट्रेवल हंड्रेड किलोमीटर विद द करंट विद द करंट का मतलब क्या है पानी के बहाव के साथ अब जैसे ही पानी के बहाव के साथ का मतलब क्या है नाव भी नीचे जा रही है और पीछे से पानी भी उसी के बहाव के साथ जा रही है यानी ये बहाव जा रहा है और ये नाव जा रही है यानी दोनों एक दूसरे को एक दूसरे तो क्या नाव को पानी बहाकर ले जा रहा है ठीक है तो इस कंडीशन में इस X को यानी पानी हेल्प करेगा और नाव चलेगी 25 किलोमीटर प्रति घंटा के साथ यानी कि खुद जो नाव सिर्फ एक घंटे में बीस जा सकती थी पानी के बहाव की वजह से वो नाव अब पच्चीस किलोमीटर जा सकती है एक घंटे में एक घंटे में पच्चीस दो घंटे पचास तीन घंटे पिचहत्तर और चार घंटे में सौ किलोमीटर और यही पूछा गया कि वह नाव सौ किलोमीटर स्पीड क्वेश्चन डिस्टेंस चाहता है सौ किलोमीटर कवर करवाना और जिस कंडीशन में सौ किलोमीटर कवर हो रहा है उस कंडीशन में हर घंटे पच्चीस किलोमीटर कवर हो सकता है तो पच्चीस की रफ्तार से सौ किलोमीटर चार घंटे में कवर हो जाएगा बहुत बेहतरीन गजब गजब मेरे भाई बहुत बढ़िया शाबाश शाबाश मेरे चीतो शाबाश आ जाओ मेरे ऊपर से रो ये थोड़ा सा क्वेश्चन ना ऑप्शंस का खेल है इसमें क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं है इस क्वेश्चन में पूरा का पूरा चार ऑप्शनों का खेल है जब ये पहली बार क्वेश्चन आया था तो बहुत सारे बच्चों ने 90% बच्चों ने इस क्वेश्चन का गलत उत्तर दिया था मेरे भाई 90% बच्चों ने इस क्वेश्चन का गलत उत्तर दिया था अब उसके पीछे का क्या लॉजिक था क्या रीजन था वो मैं बताता हूं देखिए होता क्या है आप भी इस क्वेश्चन को जब सोल्व करोगे तो नब्बे परसेंट आप में से ऐसे होंगे जो जल्दबाजी में गलत दोगे मैं ये नहीं कह रहा आप कमजोर हो या आपको चीजें नहीं पता आप होशियार हो पर होशियार होने के बाद ही तो इंसान ज्यादा गलती करने लग जाता है वो जल्दबाजी करता है बस जल्दबाजी नहीं करोगे तो सही उत्तर दोगे ठीक है तो ध्यान से इस क्वेश्चन को जरूर पढ़ लेना क्वेश्चन क्या कह रहा है पहली लाइन में ए बॉय कैन स्विम इन स्टिल वाटर एक लड़का स्थिर पानी में दस किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैर सकता है है ठीक ओके मेरे भाई तो एक लड़का लड़का अगर वह ध्यान से से एक एक स्थिर पानी में किलोमीटर प्रति घंटा की गति सेकंड रुको इसमें तो हिंदी बढ़ी है अच्छा चलो छोड़ो कोई नहीं जगह कम पड़ रही होगी कोई दिक्कत नहीं है तो देखिए मैं आपके लिए पढ़ देता हूं कि एक लड़का स्थिर पानी में दस किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैर सकता है स्थिर पानी यानी कि जब पानी रुका हुआ है पानी का उस व्यक्ति की स्पीड में कोई प्रभाव ना पड़े यानी कि उस व्यक्ति की ओरिजिनल स्पीड कितनी देर की है दस किलोमीटर ऐसी नदी में तैरने लग जाए जिसकी खुद की स्पीड कितनी है पांच किलोमीटर प्रति घंटा यानी एक ऐसी नदी में तैरे जिसमें पानी की स्पीड कितनी है पांच किलोमीटर प्रति घंटा अब क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है तो लड़के को साठ किलोमीटर तक तैरने में कितना समय लगेगा अब आप कहोगे सर साठ किलोमीटर ठीक है दो कंडीशन यहां से लेके इस पॉइंट तक की दूरी साठ किलोमीटर है पर मुद्दा क्या है मुद्दा है ऊपर से नीचे आना है या नीचे से ऊपर जाना है यह तो क्वेश्चन में बता ही नहीं क्या? भाई साहब ऊपर से नीचे आना यानी कि आराम से आ सकता है उसे मजा आएगा पर नीचे से ऊपर जाने पसीने छूट जाएंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन जनाब ऊपर से नीचे आना है या नीचे से ऊपर किस कंडीशन में साठ किलोमीटर कवर करना है वही नहीं बताया गया तो यही कंडीशन थी बट मुद्दा तो यह है ना कि अगर एक बार समझ लो कि अगर वो पानी के साथ दो ही कंडीशन हो सकती हैं या तो वो लड़का पानी के बहाव के साथ उस साठ किलोमीटर को कवर करेगा तो उस केस में दस और पांच हर घंटे वह पंद्रह किलोमीटर जा सकता है क्यों क्योंकि दस तो उसकी खुद की स्पीड और पांच पानी उसको हेल्प करेगा एक कंडीशन हो सकती है पानी के ओपोजिट डायरेक्शन में जब पानी उसे रोकेगा यानी खुद ऊपर जा रहा है पानी उसे रोक रहा है तो खुद की दस की स्पीड में पानी उसे पांच कम करके सिर्फ पांच ही रहने देगा यानी एक स्पीड होगी किलोमीटर प्रति घंटा तो देखिए दो ही आंसर हमारी तरफ से तो दिए जा सकते थे एक बार साठ किलोमीटर पंद्रह की स्पीड से जा सकता था वो पर जब इस कंडीशन में उसे चार घंटे लगेंगे इस कंडीशन में उसे चार घंटे तो आप इस चार घंटों को क्या कहोगे ये चार घंटे कब लिए गए जब वो पानी के के पा व्यक्ति पानी के भाव के साथ जाएगा व्यक्ति पानी के भाव के साथ जा रहा है प्लस का मतलब साथ जा रहा है तो चार घंटे लगेंगे एक कंडीशन जब साठ किलोमीटर पांच की रफ्तार से आएगा तो, तो इस केस में लगेंगे बारह घंटे तो ये बारह घंटे कब कहेंगे हम इस केस में, तो में। यानी कि जब हम ये कहेंगे जब वो व्यक्ति पानी की विपरीत दिशा में जाएगा तो बारह घंटे तो देखिए आंसर चार और बारह हो सकता है तो अगर आप देखोगे चार इसमें भी है इसमें भी है और बारह इसमें हैं। यानी ऑप्शन हो सकते हैं। यह तो हो ही नहीं सकता पर क्वेश्चन में क्या रखा है? धारा के विरुद्ध चार घंटे तो मैंने देखा यह धारा के विरुद्ध नहीं लग रहे ये तो धारा के साथ यानी व्यक्ति जब धारा के साथ पानी के साथ जाता है तब चार घंटे लगते हैं यानी यह बात तो गलत है हाँ अगर लिखा होता व्यक्ति पानी के साथ तो कहीं पे लिखा हुआ है तो धारा के साथ चार घंटे यानी ये बात तो हंड्रेड परसेंट सही है ये बात हंड्रेड परसेंट सही है इसमें देखते हैं धारा के साथ बारह घंटे ये धारा के साथ नहीं है बारह घंटे ये बारह घंटे धारा के विपरीत दिशा में लग रहे हैं यानी कि जो हमारी वाली बात है उससे ऑप्शन बिल्कुल मैच नहीं कर रहा सिर्फ यही ऑप्शन सही है किसी को डाउट बहुत बढ़िया आगे आ जाइए जल्दी से और ये किसने बना दिया यार पीडीएफ इतनी गंदी हाँ भाई जल्दी बताइए क्या होगा इसका उत्तर साफ दिख रहा है आपको बहुत बढ़िया बहुत ही बेहतरीन गजब गजब सब्बास आ जाओ मेरे भाई क्या कह रहा है ये क्वेश्चन जल्दी से तो जल्दी से देख रहे हैं हमारा क्वेश्चन क्या कहने वाला है जल्दी से देखिए आ जाइए मेरे चीतो क्या क्वेश्चन कह रहा है देखो मेरे भाई क्वेश्चन कह रहा है इसको थोड़ा सा आप बड़ा कर लेना ठीक है आपको साफ दिख जाएगा क्वेश्चन कह रहा है मैन कैन स्विम थ्री किलोमीटर प्रति घंटा इन स्टिल वॉटर यानी कि वो व्यक्ति हर घंटे रुके हुए पानी में तीन किलोमीटर जा सकता था यानी कि अगर जब भी किसी व्यक्ति की स्पीड की बात हो रही है यानी एक्स की वैल्यू और एक्स पर कोई प्रभाव तो नहीं पड़ रहा यानी किसी पानी का उस पर इफेक्ट कोई इफेक्ट नहीं है पानी का क्योंकि क्वेश्चन में क्या रखा है स्टिल वॉटर तो स्टिल वॉटर है एक्स की वैल्यू देखिए तीन किलोमीटर प्रति घंटा वही दूसरी तरफ उस नदी जिसमें इसे थोड़ी देर बाद तैरना पड़ेगा उसकी स्पीड दे रखी है दो किलोमीटर प्रति घंटा यानी y की वैल्यू दे रखी है मेरे भाई किलोमीटर प्रति घंटा ठीक है ओके तो क्वेश्चन कह रहा है टाइम टेकन बाय हिम टू स्विम टू अ प्लेस टेन किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड बैक क्वेश्चन चाह रहा है कि वो व्यक्ति एक बार तो ऊपर जाए और फिर लौटकर वापस आए यानी दस किलोमीटर ऊपर जाए और फिर 10 किलोमीटर नीचे लौट कर आए तो टोटल जो उसे समय लगेगा वो बताओ तो हमें पता है कि जब वह ऊपर जाएगा तो ऊपर जाएगा तो पानी उसे रोकेगा स्पीड कितनी एक अब अगर वो नीचे आएगा तो पानी उसकी हेल्प करेगा तो स्पीड कितनी हो जाएगी मेरा तीन और दो पांच अब होगा क्या जब वो ऊपर दस किलोमीटर गया किसी स्पीड से एक की स्पीड से तो एक से दस में कटेगा तो उसे दस घंटे लगे अब जब वो ऊपर गया तो दस घंटे लग गए अब वो नीचे आ रहा है अब वो नीचे फिर से दस किलोमीटर आ रहा है पर जब नीचे आ रहा है तो इसी स्पीड से आएगा पांच की स्पीड से तब लगेंगे मेरे भाई दो घंटे तो पहले दस लग चुके हैं अब दो लग रहे हैं टोटल बारह घंटे उसे लगेंगे किसी को डाउट बहुत बेहतरीन भाई बहुत बढ़िया सब्बास जल्दी से एक बार शेयर कर दो मेरे भाई देखिए ये एक वो बना दीजिए क्या कहते हैं इतिहास बना दो कि भाई साहब राहुल सर के चीते शिकार पर हैं जीते कम से कम डेली दस हजार बच्चे हैं। हर एक इंसान को पता लगना चाहिए कि भैया सेकेंड हैंड से ना सीधा सीधा फर्स्ट हैंड टीचर से पढ़ लो ठीक है और ये थर थर काब जाने चाहिए जितने भी ये मार्केट में बेवकूफ बना रहे ना बच्चों सारे सारे काप जाने चाहिए तो एक बार जल्दी से, से शेयर कर, कर आ जाओ सबके पास जल्दी से मेरे भाई जल्दी से जाओ तो जल्दी से देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है जल्दी से बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन चल रहे हैं आपके सामने बहुत लाजवाब बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया देखो क्वेश्चन क्या है कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है द स्पीड ऑफ अ बोट एक सेकंड रुकिए चलो आगे तो हिंदी अच्छी है एक सेकंड एक चीज देखने दीजिए मुझे चलो आगे हिंदी सही है बस इसे क्वेश्चन की ऐसी दिक्कत है आगे पूरी पूरी सही है थोड़ा सा छोटा इसलिए भी मुझे लग रहा है जगह कम पड़ रही होगी ठीक है क्वेश्चन में आते हैं अब तो आप समझ चुके हो

y की वैल्यू कितनी देर है 1.5 अब क्वेश्चन चाह रहा है ए मैन कैन रो टू अ प्लेस एक व्यक्ति ऊपर गया एक व्यक्ति ऊपर गया कितने किलोमीटर 22.5 किलोमीटर और फिर 22.5 किलोमीटर नीचे आया तो उसे कितना टाइम लगा तो मेरे भाई देखिए ऊपर जाने में स्पीड क्या हो जाएगी x y यानी कि 6 में से 1.5 घटा 4.5 और जब वह व्यक्ति नीचे आएगा तो पानी उसकी हेल्प करेगा नीचे आ रहा है पानी भी नीचे जा रहा है हेल्प होगी तो टोटल हो जाएगा मेरे भाई सेवन पॉइंट फाइव तो जब वो व्यक्ति ऊपर जाएगा तो इस साढ़े बाईस किलोमीटर को फोर पॉइंट फाइव की स्पीड से पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा मेरे भाई किस तरह पर चलेगा यानी कि इस कंडीशन में पांच घंटे लगेंगे ठीक है आगे फिर साढ़े बाईस किलोमीटर वह नीचे आएगा और नीचे आते वक्त यानी जब उसका पानी साथ दे रहा हुआ तो इस रफ्तार से उसे कितना टाइम लगेगा पॉइंट पॉइंट से कट जाएगा इससे ये तीन पर जाएगा यानी ऊपर जाते वक्त पांच घंटे नीचे आते वक्त तीन घंटे टोटल पांच और तीन आठ घंटे लगेंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई उत्तर यानी कि आठ घंटे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले आ जाइए हा भाई बताओ क्या होगा इसका आंसर बहुत बेहतरीन गजब एक बार जल्दी से, से शेयर कर दो और लाइक कर दो जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को मजा आ रहा है बहुत ज्यादा हाँ भाई बहुत बढ़िया सब बास एक बार जल्दी से लाइक कर दीजिए बस यही तो आपसे यही मोहब्बत तो है आपकी जो इस मार्केट में आग लगाने वाली है। हाँ भाई जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का उत्तर थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं ना अब आपको चीजें समझ आ चुकी होंगी तो देखिए क्वेश्चन क्या है कह रहा है धारा की दिशा में तथा धारा के विपरीत एक नाव की चाल 21 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 9 किलोमीटर प्रति घंटा है बहुत ही ध्यान से समझेंगे इस बात को आ जाइए देखिए कोशन रहा है कि धारा की दिशा में तथा धारा के विपरीत एक नाव की चाल 21 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 9 किलोमीटर प्रति घंटा यानी चीजें अब बदल गई हैं अब आपको क्या क्या दिया है, गया है उससे पहले यार एक छोटी सी बात और बताओ जाओ आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ अगर कभी ए प्लस बी बहुत प्यार से बताना जल्दी से आठ दे दिया जाए और ए माइनस बी दे दिया जाए या फिर ऐसा लीजिए ए माइनस बी चार दे दिया जाए तो आपके हिसाब से ए और बी की अलग अलग वैल्यू क्या होंगी तो देखिए आप में से मैक्सिमम बच्चा क्या करेगा वो बता देता हूँ जो बचपन से आप सीखते आए हो आप क्या करोगे आप दो तरीके से चलोगे ए प्लस बी आठ है ए माइनस बी चार है सबसे पहले आप इन दोनों को जब जोड़ोगे तो आपको पता है प्लस का बी और ये माइनस का बी कट जाएगा देखिए इसमें इसे जोड़ूंगा तो प्लस का माइनस का कट गया ठीक है ए और ए आपका कितना हो जाएगा टू ए ठीक है बात बिल्कुल ठीक है और इधर आठ और चार ये कितना हो जाएगा मेरे भाई <coughs> बारह इधर ये आठ और चार कितना हो जाएगा बारह सही है बिल्कुल सही है यहां से मुझे की वैल्यू चाहिए तो दो से इस बारह को पर काटूंगा तो ए की वैल्यू कितनी आ गई छे तो पहली कंडीशन यहां से एक की वैल्यू मिल चुकी है आपको मेरे भाई छे अभी पर बी की वैल्यू भी ढूंढनी है अब बी की कैसे निकालेंगे आप फिर से देखोगे कि मेरे भाई आपको जो डाटा गिवन था उसमें क्या दे रखा था ए प्लस बी आपको आठ रखा है और ए माइनस बी आपको चार रखा है ठीक है अब यहां से आपको बी चाहिए अब बी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ए की बलि देनी पड़ेगी यानी कि ए को यहां से खत्म रास्ता मतलब इसको निपटाना पड़ेगा अब इसके लिए हमें क्या करना होगा हमें जब दोनों को प्लस करेंगे तो ए में से यह घट जाए इसके लिए इसका साइन बदल दिया माइनस अब मुझे पता है इसे माइनस बनाने का मतलब क्या है इसके साथ माइनस की मल्टीप्लाई तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई माइनस की तो माइनस माइनस प्लस और इसी तरह से इसके साथ भी माइनस की मल्टीप्लाई देखिए रूल क्या कहता है मैथ का कि अगर मैं कुछ भी चेंज इसमें करूंगा तो वही सेम चेंज इसमें भी होगा और वही सेम चेंज इसमें भी तो ये तो माइनस बनाया तो भैया यहाँ पे पहले माइनस था माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इसी तरह से माइनस का मल्टीप्लाई यहां अब जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो प्लस का ए माइनस का ए कट गया प्लस का भी और प्लस का भी टू भी हो जाएगा इक्व टू आठ में से चार गया चार दो से ये चार जाएगा दो पर यहां से बी की वैल्यू मेरे भाई कितनी आ जाएगी दो बी की वैल्यू यहां से कितनी आ चुकी है दो बात सही है बिल्कुल सही है तो मैंने देखा मेरे भाई मुझे बी और ए दोनों की ही वैल्यू मिल चुकी है पर इस बच्चों वाले खेल में मुझे इतना बड़ा इतना बड़ा मतलब कि चक्कर अपनाना पड़ा बस एक सेकंड का, का काम था और मैंने इतनी बड़ी महाभारत रच दी नहीं तो भाई साहब थोड़ा सा खाम खामे सिस्टम बढ़ा देना पेपर थोड़ी यूं कह रहा है कि भाई साहब आपको महाभारत लिखने हैं हमारे पास चार ऑप्शन है पेपर कह रहा है ऑप्शन में से एक आंसर वो लगा दो चाहे उसे कुछ ना आता हो बच्चों जिसने ऑप्शन लगा दिया वो ही खिलाड़ी है ठीक है उसी को दुनिया पूजेगी तो भैया तुम्हारा तो मुद्दा क्या है तुम्हारे पास चार ऑप्शन है ठीक है तो इसके अलावा कोई और तरीका बिल्कुल है कैसे देखिए बहुत प्यारी सी बात बता रहा हूं ध्यान से सुनेंगे आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया था ए प्लस बी आठ दिया गया था ए माइनस बी चार तो ध्यान से सुनेंगे जब भी वो इसकी बात करेगा किसकी एक इसके अंदर सामने वाली चीज एक बार प्लस हो रही है और नीचे एक बार सामने वाली माइनस हो रही है तो जो ये वाली चीज होती है इसकी बात जब भी करेगा वो हमेशा इन दोनों का टोटल यानी बारह जो भी टोटल आएगा उसका आधा यानी ए की वैल्यू छ हमारी छ आई थी बिल्कुल सही बात है वही दूसरी तरफ अगर वह इसकी बात करें बी की बी यानी कि जो इसके अंदर एक बार प्लस हो रहा है और एक बार इसमें माइनस हो रहा है ये जो बी होगा हमेशा इन दोनों का गैप यानी आठवें से चार गया चार उसका आधा यानी कि बी हो जाएगा दो और यही वैल्यू हमारी यहां पर आ रही थी यानी कि अब कहीं पर भी आपके सामने कुछ भी आ जाए जैसे मैं कह दू ए प्लस बी मेरे भाई इक्कीस है और ए माइनस बी मेरे भाई आपको दे दिया कितना तीन और अब आपसे कुछ भी पूछ ले ए भी पूछ ले और बी भी अब आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है आंख बंद करके आंसर कैसे ए यानी इधर वाला क्या होगा दोनों को जोड़ो 21 और 3 24 और उसका क्या कर दीजिए आधा यानी क्या जाएगा उत्तर ए की वैल्यू 12 हमें बी भी चाहिए तो बी कितना हो जाएगा मेरे भाई बी यानी कि इधर वाला ये वाला तो बी होगा इसमें से इसको घटाएंगे अठारह आ गया और अठारह का आधा नौ तो अठारह का आधा नौ पर हर बार ऐसा थोड़ी है कि अठारह के नीचे दो लिखा जाए अब एक बात बताओ यार मुझे पता है मेरा आंसर लिख दो। B, B यानी इन दोनों का गैप अंतर इसमें से ये घटाए तीन अठारह अठारह का आधा नौ लिख दो अब आपके सामने कुछ भी आ जाए मुझे लगता है अब आप आसानी से जवाब दे पाओगे पर आते हैं मैंने दे दिया ए प्लस बी आपके थर्टी सेवन है और ए माइनस बी तीस है तीस क्या तीन ले लो हाँ भाई उत्तर बताओ ए और बी जल्द जल्दी जल्दी ए और बी स्पीड में क्या होंगे हाँ भाई में क्या होगा अरे स्पीड में कैसे हल्के पड़ गए बहुत बेहतरीन बहुत बढ़िया सब्बास. तो देखिए मेरे बब्बर शेर ए यानी कि इन दोनों का जोड़ 40 40 का आधा 20 सिंपल इन दोनों का टोटल 40 दिमाग में उसका आधा कर दीजिए बीस बी यानी कि इसमें से इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा मेरे भाई इसमें से इसको घटा देंगे तो चौतीस चौतीस का आधा सत्रह बस अब क्वेश्चन पर आ जाइए लीजिए हा भाई बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा इसको बंद कर देते हैं यार ये तो हाँ बताओ जल्दी से बताओ क्या होगा स्पीड में हाँ भाई स्पीड में हल्के मत पढ़ो जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का उत्तर बहुत मजेदार होने वाला है सेशन जितने ज्यादा देर रुके रहोगे उतनी ही ऑसम लगेगी ऑसम ऑसम मजेदार देखो क्वेश्चन में साफ साफ देखा है धारा की दिशा में तथा धारा के विपरीत धारा की दिशा साफ साफ जब नाव को पानी हेल्प कर रहा हो द मूवमेंट ऑफ अ बोट यानी कि जब इस नाव को नाव की स्पीड तो एक्स है पर पानी जब इसे हेल्प करता है तो एक्स प्लस वाई ये कौन बंद करता है डेली ठीक है तो जब पानी नाव की हेल्प कर रहा है तो उस कंडीशन में स्पीड आती है x y और x y कितना दे रखी है 21 ठीक है और एक दे है पानी के मतलब पानी की विपरीत दिशा में यानी धारा की विपरीत दिशा में यानी x y कितनी दे है 9 ये वाली बात समझ आ चुकी है बिल्कुल बहुत ही आसान आसान शब्दों में लिख रखा है ठीक है अब क्वेश्चन में क्या पूछा है तो धारा का वेग बताइए धारा यानी कि जो भी वो पानी है उसकी स्पीड यानी कि आपको किसकी वैल्यू चाहिए वाई की एक्स बोट की स्पीड वाई यानी कि पानी की और वाई क्या हो जाएगा इन दोनों का गैप अगर आप इन दोनों के गैप की बात करोगे तो मेरे भाई कितना आ जाएगा एक अच्छा ठीक तो है बारह ही तो आएगा ठीक है इन दोनों का गैप बटे में दो यानी कि की स्पीड आ गई किलोमीटर प्रति घंटा यह हमारा उत्तर आ चुका है किसी को डाउट बताइए बहुत बढ़िया भाई बहुत बेहतरीन आगे चले लीजिए आ जाइए हाँ भाई बताओ क्या होगा तो क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है ए मैन कैन रो फिफ्टीन किलोमीटर प्रति घंटा डाउन स्ट्रीम कोई आदमी धारा के अनुकूल दिशा में पंद्रह किलोमीटर प्रति घंटा धारा के अनुकूल यानी कि जिस तरफ धारा पानी जा रहा है उसी डायरेक्शन में यहां से देख लिया करो अगर किसी को इस वोटन स्ट्रीम में ना बेहतर है आप इंग्लिश पढ़ लो ये स्पीड कब है डाउन स्ट्रीम यानी जब नाउ नीचे आएगी नीचे आने का मतलब क्या है जब इसको पानी हेल्प करेगा यानी एक्स प्लस वाई तो इस बार ये टोटल स्पीड दे रखी है अगर वो क्वेश्चन कह रहा है कि भाई एक्स यानी कि बोट की स्पीड एक्स यानी कि बोट की स्पीड और वाई यानी कि पानी की तो मुझे पता है कि अगर बोट को इस एक्स को वाई यानी पानी हेल्प करता है यानी कि जब नाव भी नीचे जाए और पानी भी नीचे तो स्पीड एक्स प्लस वाई होती है। और मतलब होता है नाव जो है पानी के बहाव के साथ जा रही है यानी कि नीचे की तरफ डाउन स्ट्रीम तो क्वेश्चन में भी दिख रखा है यह स्पीड कब है जब नाव डाउन स्ट्रीम जा रही है डाउन स्ट्रीम यानी कि जब नाव को पानी की हेल्प मिल रही है तो स्पीड मेरे भाई पंद्रह किलोमीटर प्रति घंटा है अब मतलब जब नाव पानी के जा रही है यानी पानी उसे रोक रहा है यानी कि जब नाव की गति पानी द्वारा रोकी जाएगी यानी एक्स माइनस वाई आपको क्या दे रखा है नौ किलोमीटर प्रति घंटा पूछा गया है द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टील वाटर अब इस स्टील वाटर का क्या रोल है यानी कहने का मतलब सिंपल है कि जो वो नाव है उसकी स्पीड बताइए स्टिल वाटर मतलब स्टिल वाटर यानी पानी जब रुका हुआ है उस कंडीशन में नाव की स्पीड यानी उसकी खुद की ओरिजिनल स्पीड नाव की स्पीड यानी एक्स की वैल्यू और यह क्या होगा मेरे भाई इन दोनों का टोटल चौबीस उसका आधा यानी बारह किलोमीटर प्रति घंटा और यही हमारा उत्तर हो जाएगा किसी को डाउट बताइए बहुत बेहतरीन भाई बहुत बढ़िया अगले क्वेश्चन को लेते हैं लीजिए बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताएं बहुत बेहतरीन आ जाओ क्वेश्चन कह रहा है एम कैन रो अप स्ट्रीम जैसी अपस्ट्रीम लिखा जाए कि ऊपर की, की तरफ और अर्जो भाई वो व्यक्ति की स्पीड तो एक से है, पर ऊपर जाएगा तो पानी उसको रोकेगा रोकेगा मतलब पानी उसको रोकेगा माइनस का मतलब उसे रोक रहा है और जब वो ऊपर जा रहा है तो उसकी स्पीड कितनी है बारह किलोमीटर प्रति घंटा ठीक है फिर कह रहा है डाउन स्ट्रीम यानी कि जब वह व्यक्ति नीचे आएगा नीचे आएगा तो पानी उसकी हेल्प करेगा कि उस व्यक्ति खुद की स्पीड है। और पानी अगर उसकी करेगा तो क्वेश्चन स्पीड इन स्टिल वाटर यानी उस व्यक्ति की स्पीड बताइए यानी कि एक्स की, की वैल्यू और यह क्या होता है इन दोनों का टोटल तीस तीस का आधा यानी पंद्रह किलोमीटर प्रति घंटा यह है हमारा उत्तर आ जाएगा किसी को डाउट जल्दी से बताइए बहुत बेहतरीन आगे चलते हैं लीजिए हाँ मेरे भाई एक बार जल्दी से लाइक कर दीजिए जल्दी से बहुत मजा आ रहा है मुझे पता है क्योंकि आज समुन्दर में नहाकर ये जो बोट है बहुत नमकीन हो रही है ठीक है तो चलो मजा आ गया मुझे पता है तुम्हें तो मजा आ रहा होगा देखिए इस क्वेश्चन पर आते हैं क्वेश्चन कह रहे हैं स्पीड ऑफ अ बोट अलोंग एंड अंगेस्ट द करंट अलोंग एंड अंगेस्ट यानी बोट की स्पीड एक तो पानी के भाव के साथ और एक पानी के विपरीत भाव के साथ का मतलब क्या होता है बोट की स्पीड खुद तो एक्स है पर पानी के साथ मतलब एक्स को जब पानी हेल्प कर रहा है यानी एक्स प्लस वाई क्वेश्चन कह रहा है चौदह है और एक बार जब इस नाव के ओपोजिट में पानी बहेगा तो उसके इसमें स्पीड क्या है आठ है क्वेश्चन में पूछा गया है पानी की स्पीड स्पीड ऑफ करंट यानी कि पानी की स्पीड और पानी की स्पीड को मेरे भाई क्या कहते हैं हम वाई जितनी भी स्पीड है सिर्फ पानी की स्पीड वाई उसके अलावा सब कुछ एक्स तो पानी की स्पीड वाई और वाई हमेशा इनका गैप यानी छ का आधा यानी कि तीन किलोमीटर प्रति घंटा यह क्या आ जाएगा मेरे भाई हमारा उत्तर ठीक है किसी को डाउट बहुत बेहतरीन गजब गजब लीजिए अरे आज की क्लास डेढ़ घंटे की है तुम यू सोच रहे हो आज छोड़ छोड़ दूंगा आज मैंने तुमसे कल वादा किया था ना अगर तुम डेली इतने बच्चे आ जाओगे आठ एक हजार जैसा कि डेली तुम अपना वादा भी पूरा कर रहे हो तो तुमने अगर वादा निभा दिया तो भैया हम भी वादा निभाएंगे पूरा पढ़ाएंगे डेढ़ डेढ़ घंटे बस एक बार आखिरी और जल्दी शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर मजा आ रहा है तो और मजा तो मुझे पता है मेरे भाई अगर इतना बच्चा मोहब्बत के साथ जुड़ा हुआ है तो मजा तो आ ही रहा होगा नहीं तो कहा किसी और के पास इतनी मोहब्बत को दिखा रहा क्योंकि उसे पता है अब तो बच्चा थक चुका है सबके मतलब कि कोई भी कुछ भी पढ़ा रहा है और यहाँ से जब गांव गांव मोहल्लों में बात चलने लग गई है कि भैया पढ़ लो यहाँ से नहीं सिलेक्शन हंड्रेड परसेंट है और मैं जिस भी बच्चों को पढ़ाता हूँ अपना भाई बहन यार दोस्त मानकर पढ़ाता हूँ क्योंकि हंड्रेड परसेंट मुझे सिलेक्शन दिलाना है क्योंकि यहां आपको टॉप तक पढ़ाएंगे और टॉप तक पहुंचाएंगे देखो यार क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है एक तैराक धारा के विपरीत दिशा में तथा धारा की दिशा में विपरीत का मतलब पता है आपको अगर उसकी खुद की स्पीड एक्स है तो ओपोजिट मतलब जब पानी उसे रोकेगा और एक बार पानी के साथ जाता है तो पानी जब उसे रोक रहा है तब उसकी स्पीड छ थी और जब वह पानी के साथ गया तो उसकी स्पीड चौदह थी ठीक है ओके अब क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ स्विमर इन द स्टेबल वाटर ठीक है स्थिर जल में तैराकी चाल तो स्थिर जल यानी कि सिंपल उसकी खुद की स्पीड पूछिए एक्स और ये दोनों का टोटल बीस बटे में दो यानी कि दस किलोमीटर प्रति घंटा यह क्या आ जाएगा हमारा उत्तर बहुत बच्चों वाले क्वेश्चन थे बट अभी आने वाले हैं कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन गजब गजब से बहुत मजा आएगा थोड़ा पानी पी लूँ जल्दी से एक बार जल्दी से थैंक यू मेरे भाई लाइक करने लाइक तो बहुत थैंक यू थैंक यू आ जाइए थोड़ा पानी पी लेता हूं लो वेरवाई देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कह रहा है द स्पीड ऑफ अ बोट अलोंग द स्ट्रीम यानी कि जब बोट बोट की खुद की स्पीड तो एक्स है पर यह जब पानी की हेल्प के साथ जाए तो उसके इसमें स्पीड इस आ जाती है बारह किलोमीटर प्रति घंटा ठीक है और जब यही बोट पानी के ओपोजिट जा रही है यानी जब पानी से रोक रहा है तो स्पीड सिर्फ आठ रह जाती है तो क्वेश्चन कह रहा है द टाइम टेकन बाय द बोट टू सेल 24 किलोमीटर इन स्टिल वाटर यानी अगर शांत जल है शांत जल यानी जब नाव को ना तो पानी हेल्प करे और ना ही उसको रोके यानी जब नाव अपनी खुद की पर्सनल स्पीड यानी एक्स से चले तो अभी अगर मैं एक्स निकालना चाहता हूं तो कैसे निकालूंगा तो उस केस में इन दोनों का टोटल जब भी आपको एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई दोनों चीजें दे दी जाए जब एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई आपको दे दिया जाता है तो इधर वाले इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी इन दोनों का जोड़ का आधा यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई दस किलोमीटर प्रति घंटा पर आपसे स्पीड तो नहीं पूछी पूछा है कि जब इस नॉर्मल स्पीड से ओरिजिनल स्पीड से वह चलेगा तो 24 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लेगा तो टाइम क्या होता है डिस्टेंस जो कि 24 किलोमीटर और स्पीड कितनी है 10 तो 2.4 पॉइंट आवर्स यानी यह हमारा उत्तर हो जाएगा किसी को डाउट बहुत गजब बहुत बढ़िया थैंक यू मेरे भाई लाइक करने के लिए थैंक यू लव यू मेरे चीतो बब्बर लव यू बहुत बेहतरीन गजब एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए वीडियो को गजब बहुत बढ़िया सब्बास मेरा बहुत ही मजा आ रहा है एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर शेयर कर करा देखो, कर देखो दिया करो पता लग रहा है कभी कोई तुम्हारा जिससे तुम मोहब्बत करते हो अगर उसको लगे यार कि कितना अच्छा मेरे से मतलब कि कितना सोचता है मतलब कोई भी मोहब्बत करने वाला भाई भी हो सकता है आपका छोटा आपका चाचा ताऊ का किसी का भी या पड़ोसी कोई भी हो सकता है या आपका कोई ऐसा प्यार भी हो सकता है तो क्या कहेगा यार इसकी वजह से आज मैं इतनी अच्छी पढ़ पा रहा हूँ नहीं तो शेयर कर दिया करो वो बात अलग है कि पढ़ा मैं रहा हूं बट सारी सारा श्रे तुम्हें ले जाना कोई दिक्कत नहीं है देखिए क्वेश्चन क्या रहा है कि स्पीड ऑफ अ बोट अलोंग एंड अंगेस्ट अलोंग मतलब जब पानी के साथ जाएगी तो एक्स प्लस वाई पानी की विपरीत दिशा में एक्स माइनस वाई पानी के साथ जाते समय स्पीड थी दस किलोमीटर प्रति घंटा पानी की विपरीत दिशा में है स्पीड आठ किलोमीटर प्रति घंटा ठीक है ओके okay. तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ द करंट यानी कि वाई की वैल्यू मुझे लग रहा है क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया तो वाई क्या होता है मेरे भाई इन दोनों का अंतर यानी दो बटे में दो तो यह आ जाएगा एक किलोमीटर प्रति घंटा किसी को डाउट बहुत बढ़िया आ आ जाइए हाँ भाई बताइए क्या होगा इसका आंसर जल्दी से बहुत बढ़िया सब्बास देखो इस क्वेश्चन की बात करते हैं धारा के विपरीत एक नाव की चाल ये क्वेश्चन बहुत प्यारा था इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना मजा आने वाला है बहुत ही ज्यादा मजेदार क्वेश्चन है लाजवाब इस क्वेश्चन को मैं लाजवाब वाली कैटेगरी में रख सकता हूं क्योंकि बहुत बच्चों वाला नाजुक सा क्वेश्चन नाजुक मतलब क्वेश्चन नाजुक है कहीं कोई नाजुक रही हो तुम्हारे आसपास और तुम उस नाजुक के बारे में नाजुक नाजुक ख्वाब सोचने लग जाओ नाजुक मतलब बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा क्वेश्चन है खूबसूरत ठीक है क्वेश्चन में कह रहा है धारा के विपरीत देखिए नाव की चाल नाव की स्पीड हम लेते हैं हमेशा एक्स पर जब भी अगर मैं बात कर रहा हूं कि नाव पानी के ओपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो उस केस में पानी उसे रोक रहा होता है तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स माइनस वाई से भैया वाई माइनस में मतलब पानी से रोक रहा है तो स्पीड कितनी है दो किलोमीटर प्रति घंटा अब आएगी समझने वाली बात प्रति घंटा ठीक है तथा तो शांत जल में चाल है चार किलोमीटर पर घंटा शांत जल का मतलब क्या है जब पानी का उसपे कोई इफेक्ट ना हो और जब पानी का उसपे कोई इफेक्ट ना हो तो उस केस में उसकी खुद की ओरिजिनल स्पीड उसे दे रखी है कितनी फोर किलोमीटर पर आवर समझ रहे हो ना ये सिंपल एक्स की वैल्यू क्यों है देखिए जब पानी का इफेक्ट इन ना तो पानी उसकी हेल्प कर रहा ना ही उसके बाद प्लस में हो रहा ना ही उसको रोक रहा ना ही माइनस में जा रहा यानी सिंपल उसकी खुद की स्पीड कितनी दे दिया चार तो क्वेश्चन पूछ रखा है धारा का वेग धारा यानी जो वो पानी है उसकी स्पीड यानी वाई देखिए आप दो तरीकों से आंसर दे सकते हो तो एक बेसिक और एक डायरेक्ट डायरेक्ट कैसे अगर एक्स की वैल्यू चार है और मुझे बताया चार में से कुछ ऐसा घटा कि दो आ गया भाई इन दोनों का गैप दो है तो उस केस में वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी दो और यही पूछा है कि पानी की वैल्यू तो कितने आ गई दो ये पूछा ना व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं ये आ जाएगा किसी को डाउट मेरे भाई दो आएगा दो दो उत्तर आएगा देखिए कैसे देखो कह रहा धारा का वेग यानी कि पानी की स्पीड अगर ये चार है ऐसे समझ लो फोर माइनस वाई इक्व टू टू ठीक है अगर आप माइनस वाई इधर ले आओगे प्लस वाई दो इधर आ ये बहुत टाइम ले जाएगा मेन चीज ये है कि x में से कुछ अगर x में से y यानी क्या घटाऊं कि दो आ जाए x चार है चार में से क्या घटाऊ दो घटाऊंगा तो y की वैल्यू सीधी सीधी दो ही आ जाएगी ठीक है ज्यादा सोचने वाली बात ही नहीं थी इस क्वेश्चन पर आइए जल्दी से मेरे भाई सब्सक्राइब तो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं हमारे और ये समझ लो इस बार जब सब्सक्राइब दिखाऊंगा तो सब्सक्राइबर आप ये कहोगे सर गजब हो गया गजब क्या कहोगे कि सर आप गजब हो गया मजा आ गया तो अब तक ये समझ लो जिस स्पीड से हम जा रहे हैं ना आज के टाइम पर एक होता है कि सब्सक्राइबर किसके बहुत ज्यादा है वो मैटर नहीं करता एक्टिव बच्चा जो आज के समय में तैयारी कर रहा है कोई बच्चा वो बच्चों की भीड़ सबसे ज्यादा हमारे पास है और सबसे ज्यादा हमारी ऐप पर है वो भीड़ और सबसे ज्यादा हमारे चैनल पर जो प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं देखिए आप कभी भी यह जानना चाहो कि बच्चा तैयारी जो कर रहा है तो हंड्रेड अच्छी तैयारी करने वाला बच्चा हमेशा उसे पता है मैथ सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा तो जो मैथ की क्लास सबसे ज्यादा जहां पर ली जा रही है वहां पर सबसे ज्यादा बच्चा है तो हमारे पास सबसे ज्यादा अगर आप देखोगे तो मैथ का सबसे ज्यादा बच्चा है करंट अफेयर वगैरह की अगर आप बात करो तो ये तो एक ऐसा मुद्दा है डेली बेसिस पर होता है ठीक है इसको तो क्या है कि उसके बारे में बता दिया न्यूज चैनल की तरह है। ठीक है तो उसमें भी आते हैं बहुत से टीचरों की अच्छी बात है वो तो चलो ठीक है वो दूसरा एक मैटर रहता है बट मेरे वाले केस में क्या है जब बच्चा प्रॉपर तैयारी कर करा तो मैं तो अपने आप में बहुत बड़ा रोल है और सबसे ज़्यादा ही शायद आज के टाइम पर और इसमें आपका चाहे प्यार मान लो चाहे भगवान की सही सही नजारा चाहे मेरी मेहनत मान लो कि मैंने जब भी पढ़ाया बच्चा पास हुआ है आज के टाइम में सबसे ज़्यादा बच्चा मुझसे जुड़ा हुआ है मैथ के मामले में और यही बताता है कि भाई जो एक्टिव यूज़र जो पक्का पढ़ाई के लिए तैयार है बच्चे वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है

10 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड ऑफ बोट बोट की स्पीड को हमेशा x लेते हैं स्टिल वाटर का मतलब जब पानी ना उसे रोक रहा ना पानी के साथ ना पानी उसका साथ दे रहा यानी उसकी खुद की ओरिजिनल स्पीड कितनी है 10 तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10 किलोमीटर प्रति घंटा ठीक है इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 45 किलोमीटर इन 6 घंटा ठीक है पर यहां पर एक कंडीशन दे रखी है अपस्ट्रीम यानी कि अगर वह नाव वह नाव 45 किलोमीटर जा सकती है कितने घंटे में 6 घंटे में पर कौन सी कंडीशन अपस्ट्रीम अप स्ट्रीम का मतलब होता है जब नाव पानी के विपरीत यानी कि जब उसको पानी रोक रहा होगा यानी x- माइनस वाई वाली कंडीशन जब पानी उसे रोक रहा होगा तब वह 45 किलोमीटर घंटे में गई होगी अब क्वेश्चन पूछ क्या रहा है द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज यानी कि आपको वाई की वैल्यू पूछे निकाल देंगे कैसे देखिए अगर मैं इसको थ्री से काटूंगा तो फिफ्टीन पर जाएगा थ्री से काटूंगा इसे टू पर जाएगा फाइव की मल्टीप्लाई इधर फाइव की मल्टीप्लाई इधर फिफ्टीन फाइव या सेवेंटी फाइव तो सेवन पॉइंट फाइव आ गया कैसे देखिए दो पंजे दस नीचे दस आ गया फिफ्टीन फाइव सेवेंटी फाइव सेवेंटी फाइव दस यानी सेवन पॉइंट फाइव ठीक है ओके यानी कि आपको एक बात पता चल चुकी है कि नाव की गति पानी के विपरीत दिशा में सेवन पॉइंट फाइव किलोमीटर प्रति घंटा है वहीं दूसरी तरफ इस नाव की खुद की स्पीड कितनी है दस इस नाव की खुद की स्पीड कितनी है दस अब आप एक छोटी सी बात बताइए आपसे पानी की स्पीड पूछिए स्ट्रीम यानी पानी इस दस में से क्या साढ़े सात आ जाए यानी वाई की ऐसी क्या वैल्यू रही होगी तो आपको ढाई और यही मेरे भाई वाई की वैल्यू आ गई और यही मुझे चाहिए थी तो डायरेक्ट हमारे पास ढाई उत्तर आ चुका है ठीक है बहुत ही गजब सब बास जाओ हाँ भाई जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जल्दी से स्पीड में बताइए क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से इस बार क्या कह रहा है द स्पीड ऑफ अ सेलर विद स्ट्रीम इज यानी जब पानी उसको साथ दे रहा है पानी का साथ देने का मतलब क्या है उसकी खुद की स्पीड एक्स पानी उसका साथ दे रहा है यानी कि वाई वाई को हम पानी लेकर चलते हैं ना जब वाई उसकी हेल्प कर रहा है तो स्पीड पंद्रह किलोमीटर प्रति घंटा नजर आई ठीक है ओके वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम इज 1.5 धारा का वेग 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा धारा यानी कि पानी की स्पीड पानी की स्पीड यानी कि 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा अब आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए अगर इस वाई की वैल्यू 1.5 है तो आपको पता है कि ऐसी कौन सी दो वैल्यूज हैं देखो वाई वन पॉइंट की भी कुछ वैल्यू रही होगी और एक्स की एक ऐसी वैल्यू है कि इसका और इसका टोटल पंद्रह होगा तो उस केस में एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई तेरह पॉइंट पांच एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी तेरह पॉइंट पांच पूछा क्या गया द वेलोसिटी ऑफ द बोट ऑपोजिट टू द स्ट्रीम ऑपोजिट यानि कि जब जब नाव को पानी रोकेगा पानी रोकने का मतलब क्या है हमें x माइनस वाई चाहिए इसका मतलब क्या है इस नाव को पानी रोक रहा है यानी अगर इस प्लस की जगह यहाँ माइनस ही कर दिया जाए तो सीधा एक्स माइनस वाई आ जाएगा भाई ये एक्स है ये वाई है और हमें एक्स माइनस वाई चाहिए यानी कि इसके और इसका गैप तो कितना आ जगह इसमें से हटाएंगे पॉइंट पाँच पॉइंट पाँच तेरह में से गया बारह और यही हमारा उत्तर आ गया देखिए सिर्फ दो लाइनों में आपने आंसर दे दिया यानी सेकेंड किस किसका आ रहा है बहुत बेहतरीन भाई बहुत बढ़िया एक बार लाइक कर दो धड़ल्ले से जल्दी से बहुत बेहतरीन गजब गजब बहुत बढ़िया मेरे भाई बहुत बढ़िया आ जाइए जल्दी से हाँ मैं लीजिए बताओ स्पीड में जल्दी से क्या होगा मेरे बब्बर इसका उत्तर, बहुत ही गजब लाजवाब क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूं और मेरे भाई फिर से मैं बता रहा हूं आने वाले सोमवार को आने वाले सोमवार को डिजिट सम डिजिट सम की क्लास होगी आने वाले सोमवार को ठीक है और साथ में इस संडे को इस संडे को मेरे भाई क्या होगा बहुत बड़े बड़े दो सरप्राइज आपके लिए लेकर आ रहे हैं बहुत गजब गजब बड़े बड़े दो सरप्राइज आपके लिए लेकर आ रहे हैं हाँ भाई बताइए ओके ओके देखो ए मैन स्विम्स डाउन स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का मतलब ही क्या है वो व्यक्ति खुद तो एक्स की स्पीड से तैर सकता है डाउन स्ट्रीम यानी कि पानी के बहाव के साथ यानी जब उसको वाई हेल्प कर रहा है तो स्पीड निकल कर आई पंद्रह किलोमीटर प्रति घंटा पता है चला कि वो पंद्रह किलोमीटर एक घंटे में जा रहा है तो स्पीड का मतलब क्या होता है हर एक घंटे में तय की गई दूरी हर एक घंटे में तय की गई दूरी तो वह व्यक्ति पंद्रह किलोमीटर जा रहा है हर एक में। आगे गए तो स्पीड ऑफ द करंट यानी सिंपल उस पानी की स्पीड दे रखी है पांच किलोमीटर प्रति घंटा द टाइम टेकन बाय द मैन स्विम द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम यानी वह व्यक्ति अगर उस सेम डिस्टेंस तो आपको अगर इस पूरे क्वेश्चन में जिस डिस्टेंस की बात कर रखी है वो डिस्टेंस पंद्रह किलोमीटर है अगर इसी सेम डिस्टेंस को वह अपस्ट्रीम अप का मतलब क्या है धारा के विपरीत यानी कि अगर x माइनस वाई की स्पीड से जाए तो सबसे पहले x माइनस वाई तक पहुंचने के लिए आपको कुछ देर का है y की वैल्यू फाइव है इन दोनों का टोटल पंद्रह हो जाए उसके इसमें एक्स हो जाए दस दस प्लस पाँच पंद्रह सही है अब दस माइनस पाँच कर दें तो पाँच तो मेरे भाई यहाँ से जब वह व्यक्ति पानी की विपरीत दिशा में जाएगा तो उसकी स्पीड होगी हर घंटे में पाँच किलोमीटर और क्वेश्चन चाह रहा है अगर वह पंद्रह किलोमीटर जाता है इस पाँच की रफ्तार से तो उसे कितने घंटे लगेंगे तीन घंटे यानी ऑप्शन नंबर फोर्थ किसी का डाउट हाँ भाई बहुत बेहतरीन भाई बहुत बढ़िया गजब गजब आगे आ जाइए लीजिए अब हम आ चुके हैं इस क्वेश्चन पर जिस क्वेश्चन का आप सभी को इंतजार रहना चाहिए बहुत ही ज्यादा गजब क्वेश्चन है जल्दी से बताइए सही बच्चे हाँ मेरे भाई जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए और एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए बहुत बेहतरीन बहुत बढ़िया गजब देखिए जल्दी से आ जाते हैं इस क्वेश्चन पर क्या कह रहा है ये क्वेश्चन क्वेश्चन कह रहा है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज पैंतालीस किलोमीटर प्रति घंटा ठीक है आ, अगर बात की जाए मोटर बोट यानी मोटर बोट की स्पीड वो क्या कहते हैं एक्स और इसकी स्पीड किसके अंदर स्टिल वाटर यानी कि जब पानी रुका हुआ है तो उस कंडीशन में इसकी स्पीड क्या है पैंतालीस किलोमीटर प्रति घंटा यानी इसकी खुद की अपनी स्पीड दे रखी है पैंतालीस किलोमीटर प्रति घंटा अब क्वेश्चन कुछ कह रहा है इफ मोटर बोट ट्रेवल्स 80 किलोमीटर अलोंग द स्ट्रीम अलोंग द स्ट्रीम क्या होता है जब अगर यह अपने जब यह पानी के बहाव के साथ जाए अलोंग द स्ट्रीम यानी कि जब यह नाव पानी के बहाव के साथ जाएगी तो उस कंडीशन में 80 किलोमीटर जाने में इसे टोटल एक घंटा 20 मिनट लगेगा और मेरे भाई स्पीड होती क्या है किलोमीटर प्रति घंटा पर यहाँ तो सिर्फ एक घंटा तो घंटे में पर मिनट घंटे में नहीं तो मिनट को घंटे में बदलने के लिए किससे डिवाइड करेंगे साठ से बीस 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 दिए साठ यानी कि एक घंटा प्लस में एक बटे तीन घंटे इसे टोटल लगेंगे बट ओवरऑल तीन तीन और एक चार बटे तीन घंटे लगेंगे तो मुझे पता चला एक घंटा बीस मिनट मतलब चार बटे तीन घंटे तो स्पीड होती है किलोमीटर पर आवर हर एक घंटे में तो जब कर सकता काट दीजिए ये बीस से जाएगा तीन ऊपर जाके ये आ गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा ये तो हमारी स्पीड आ चुकी है बस यही तो हमें चाहिए था तो मेरे भाई x y कितना आ गया आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटा आपसे क्या पूछा गया है आपसे पूछा गया है द टाइम टेकन बाय इट टू कवर द सेम डिस्टेंस अगेंस्ट द स्ट्रीम यानी कि यही सेम 80 किलोमीटर जाए जाए परंतु अगर मैं देखूं इसको एक बार मिटा लेता हूं एक्स प्लस वाई आपका कितना है? जल्दी से बताइए तो आपको साठ फिर क्वेश्चन पर आ जाएंगे जिसमें से इस एक्स का फोर्टी फाइव है तो भैया दोनों टोटल साठ वाई कितना आ पंद्रह ठीक है अब हमें चाहिए एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई यानी पंद्रह में से पांच गया यानी कि अरे पंद्रह कर हाँ देखिए तो पैंतालीस में से पंद्रह गया कितना गया किलोमीटर प्रति घंटा कितना आ गया मेरे भाई पैंतालीस में से पंद्रह गया तो कितना आ गया तीस किलोमीटर प्रति घंटा इसमें कोई डाउट कोई डाउट नहीं हुआ क्वेश्चन कह रहा है कि अगर अस्सी किलोमीटर को पानी की विपरीत दिशा में यानी तीस की रफ्तार से जाया जाए तो कितना टाइम लेगा जीरो से जीरो तीन दूनी छ दो घंटे बचावा से दो बटे तीन घंटे और लगेंगे पर दो बटे तीन घंटे को मिनट तो में बदलेंगे तो कितना बन जाएगा मल्टीप्लाई बाय मेरे भाई साठ मिनट में बदलने हैं 20 से 40 मिनट और लग जाएंगे यानी दो घंटे 40 मिनट यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड किसी को डाउट बताइए बहुत बढ़िया सर मैं अभी आया हूँ मेरे भाई अभी मत आया करो मतलब अभी तो आया करो कोशिश करा करो रात में डेली 9:00 बजे आ जाया करो डेली रात में 9:00 बजे जो असंभव है ना आपकी दुनिया में उसे संभव करके दिखा दूंगा इस साल इस साल आप हर एक बच्चे नाम पर जॉब ना दिला दूं तो कहना ठीक है तो जो असंभव ताकल तक आपके लिए उसे इस साल संभव करने का मतलब मैंने पूरा दार ले रखा है मुझे पता है तुम भी ले है, तुम नहीं मेहनत का पर चीजें वो पढ़ा दूंगा जो हंड्रेड परसेंट एग्जाम आ जाएंगी तो बस आपको पढ़ना है अच्छा एक चीज और मेरे भाई देखिए इस क्वेश्चन पर आ रहे हैं बट उससे पहले बट उससे पहले मेरे भाई कुछ ही देर में एक सेकंड रुकना हाँ भाई इससे पहले सबसे पहली बात इन्होंने वो स्पेशल वाला लगा रखा अभी थोड़ी देर में सिर्फ पांच मिनट अभी इतना हो रहा है दस बज के ग्यारह मिनट दस बज के ग्यारह मिनट है ना तो मेरे भाई दस बज के बीस मिनट में पक्का पक्का ग्यारह हो रही है ना दस बज के सोलह सत्रह या बीस मिनट तक आपके लिए एक इवेंट लेकर आ रहा हूं इसी चैनल पर थोड़ी देर में लाइव इवेंट लेकर आ रहा हूँ लाइव गजब सा क्या लेकर आ रहा हूं गजब सा इवेंट उसके अंदर आपको क्या बताऊंगा किस चीज के ऊपर है एक बार हां मेरे भाई ये वाली क्लास आप ग्रुप डी के लिए भी ले सकते हो ये वाली क्लास ग्रुप डी के लिए भी आप ले सकते हो आप ये वाली क्लास ग्रुप डी के लिए भी ले सकते हो सभी बच्चे ग्रुप डी के लिए ले ले सकते हो एन का चल रहा है एन के लिए ले ले सकते हो यूपीएसआई के लिए ले ले सकते हो सी जी एल सी एच एस एल मैं जिस तरह से पढ़ा रहा हूं मैंने क्या कहा सिर्फ तुम मुझसे पढ़ते रहो रिजल्ट हंड्रेड परसेंट आ जाएगा अभी थोड़ी देर में सिर्फ पांच से सात मिनट में आपके लिए एक और इवेंट लेकर आ रहा हूँ टॉप तक पे तो आप बने रहे लाइव ठीक है थोड़ी देर में लेकर आ रहा हूँ और साथ ही साथ मेरे भाई ये क्लास डेली होती है अभी इसका अगला पार्ट कल होगा और साथ में एक डिजिट सम की वीडियो भी लाऊंगा अब वो कब लाऊंगा डिजिट सम की वीडियो इस सोमवार को रात में नौ बजे डिजिट सम की वीडियो इस सोमवार रात में नौ बजे सोमवार रात बजे ठीक है अब कुछ इंपॉर्टेंट बात है सबसे पहला काम टॉप तक लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा या प्ले स्टोर पे टीओपी टॉप टी तक सर्च करो इस इसे आपको डेली फ्री क्यूज मिलती हैं और अभी मैं ऑल ऑल ओवर इंडिया का टेस्ट कराया करूँ बिल्कुल फ्री दिया करूँ तो जो अभी डाउनलोड कर लेंगे तो आप जब तक क्यूज वगैरह देना सीख जाओगे अच्छा क्यूज देने का फायदा क्या है क्यूज देने से जो भी बच्चा फर्स्ट आता है उसकी डेली हम इस तरह से फोटो लगवाते हैं तो जितेंद्र कुमार जी फर्स्ट आए इसी तरह से अगला नाम आपका भी हो सकता है ठीक है और साथ में ऐप पर सत्रह से सत्तर से ज्यादा कोर्सेज है लीजिए उन्हें मजा आएगा पढ़ने में ना मजा आ जाए तो कहना वैसे तो मजा आएगा हंड्रेड परसेंट सिलेक्शन की गारंटी के साथ इन दो नंबरों पे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो कोई डाउट है तो ठीक है मैथ्स गेम और की अभी सीरीज चल रही है और इसी तरह से बहुत बेहतरीन तैयारी आपकी मैं ऐप पे करा रहा हूँ तो ये सभी बैचेस हैं देख लीजिए बहुत सारे बैचेस आपके और इसी के साथ कल सुबह पुरस्कार और सम्मान की एक बहुत ही प्यारी सी वीडियो आ रही है सुशील सर के द्वारा सुबह आठ बजे और इसी के साथ मेरे भाई टेलीग्राम पर टॉप तक पी डी एफ फेसबुक पे राहुल डी ई एस एच डब्ल्यू राहुल देसाल मैथ्स और इंस्टा पे राहुल डी एस एच डब्ल्यू राहुल देसाल ऑफिशियल ये सर्च करोगे तो आपको मैं मिल जाऊंगा ठीक है ओके आ जाइए तो आप चीजें समझ चुके हो तो देखिए आपका सबसे प्यारा काम टॉप तक ऐप इंस्टॉल कर लीजिए डेली शाम को पांच बजे दीजिए और दूसरा काम दूसरा काम है भैया रोज रात को नौ बजे आके मुझसे जुड़े रहो इससे अच्छा काम तो और कोई हो ही नहीं सकता तो रोज रात नौ बजे राहुल सर के साथ जुड़े रहें और ये मोहब्बत बनाए रखें ओके वीडियो को एक बार कम से कम अरे छह हजार लाइक तक तो पहुंचा दो खिलाड़ियों मेरे बब्बर शेर एक बार जल्दी से लाइक कर दो हाँ भाई जल्दी लाइक करो अरे सब चीजों की सब चीजों करवाऊंगा ठीक है एक बार जल्दी से लाइक करो ठीक है

या फिर आप बेहतर है राहुल देशवाल मैथ्स भी सर्च कर सकते हो रोज रात नौ बजे रोज रात नौ बजे राहुल देशवाल मैथ्स क्या सर्च करोगे राहुल देशवाल मैथ्स ठीक है तो मेरा राहुल देशवाल मैथ्स डेली रात में आपको नौ बजे सर्च करना है या फिर राहुल देशवाल गेम ओवर या राहुल देशवाल मतलब मेरा नाम जरूर लिखना है डेली रात में नौ बजे एक बार आपको मेरा नाम जरूर लिखना है थोड़ी देर बाद जो भी क्लास होगी आपको ये नाम लिखना ही लिखना है ये बहुत आपके लिए क्या है मेरे भाई आवश्यक जरूरी अब आपको सर हमें क्या जरूरी है हमें तो डायरेक्ट टॉप तक तो मिल जाती है ये चीज लिखने से ना आपके ना जब भी, आप भी मेरी क्लासेस देखना चाहोगे धीरे धीरे आपको हर क्लास यू कैन से मिलने लग जाएगी का होता है तो राहुल सर डेली आप लिखोगे ओके मेरे भाई ठीक है जय हिंद जय जै भारत वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और इतनी मोहब्बत और प्यार देने के लिए धन्यवाद और इस मोहब्बत का बदला जरूर चुकाया जाएगा आपको इस साल जॉब दिलवा के क्योंकि आप पढ़ रहे हो टॉप तक पर जहां आपको टॉप तक पढ़ाया जाएगा और टॉप तक पहुंचा जाएगा और मेरे बब्बर शेर और शेरणियों विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ता भटकाने के लिए विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ता भटकाने के लिए परंतु टॉप तक और संकल्प टॉप तक अकेला काफी आपको मंजिल दिलवाने के लिए मंजिल तक पहुंचाने के लिए ओके लव यू जय हिंद जय भारत मिलते हैं फिर कल रात में नौ बजे और कुछ ही देर में पांच छह मिनट बाद भी एक छोटा सा टॉपिक आपके लिए लेकर आ रहा हूं ओके बाय thank you